कोई भी कंडक्टर है इसमें से करंट क्यों पास होता है? इसीलिए पास होता है जब आप बैटरी नहीं लगाते, तब क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे इधर उधर भागते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? जो वैलेंस ऑर्बिट से जंप मार के कहा गए, वैलेंस बैंड से जंप मार के कहा गए कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में आ गए मतलब फ्री हो गए, मतलब कंडक्टर्स के अंदर क्या देखा जाता है, इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर रैंडमली मूव हो रहे हैं। उन्होंने कहा बैठना चाहिए, वैलेंस ऑर्बिट में घूमते रहना चाहिए, लेकिन वो बाहर आ गए। क्यों बाहर आ गए? उनको एनर्जी मिली। एनर्जी कहाँ से मिली? सराउंडिंग टेम्परेचर से, और ज्यादा गैप भी नहीं था, मतलब इजीली बाहर आ गए। मतलब कहाँ से कहाँ आ गए? वैलेंस बैंड टू कंडक्शन। तो ऐसे घूमने वाले इलेक्ट्रॉन हमें मदद कर सकते हैं। कैसे? अगर हम बैटरी लगाए तो क्या होगा? बैटरी से जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स है ये वाले, इन लोगों को आगे बोलेंगे तुम आगे जाओ। ओके, मतलब ये लोग जो इधर उधर घूम रहे थे वो अब सब कैसे भागेंगे? एक ही डायरेक्शन। ये लोग अपनी जगह छोड़ेंगे, नए लोग वहां आएंगे, कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने बैटरी वो हटा दी, स्विच ऑफ कर दिया, क्या हो जाएगा? फिर से वही सिचुएशन हो जाएगी। क्या सिचुएशन? फिर से रैंडम मूवमेंट चालू हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की। देखो इलेक्ट्रॉन्स इनके चले गए लेकिन नए आ गए थे ना, कहां से? बैटरी के नेगेटिव से। मतलब स्विच ऑफ करो तो रैंडम मूवमेंट, स्विच ऑन करो तो क्या, सब एक साथ भागेंगे एक डायरेक्शन। वो लोग अपनी जगह छोड़ेंगे, नए लोग आते रहेंगे। मतलब कंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो उतने ही रहेंगे जितने पहले थे, समझ में आ रही बात? लेकिन जो फ्री लोग थे उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी, तो नए लोगों को आने को क्या मिला? स्कोप मिला। ये फ्री लोग जो है वो हमारे लिए काम के हैं कंडक्शन के हिसाब से। वो फ्री कहाँ देखे जाते? आराम से कंडक्टर। क्यों? क्योंकि कंडक्टर में आसानी से कोई भी अपना वैलेंस बैंड छोड़ देता है और फ्री हो जाता है, इधर उधर भागता है। मतलब कहाँ आ जाता है? कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड मतलब थोड़ी हायर एनर्जी वाली स्टेट, समझ में आ रही बात? ये किसमें नहीं होता है? ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ नहीं पाए जाएंगे? इंसुलेटर में। क्यों? क्योंकि आना आसान नहीं है बॉन्ड, मतलब अपनी वैलेंस ऑर्बिट को छोड़ के बाहर आना आसान नहीं है। मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे इंसुलेटर में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। मतलब उसमें से आपने बैटरी भी लगाया, बैटरी से इलेक्ट्रॉन जरूर आएंगे लेकिन वहां से कोई जाने वाला ही नहीं, समझ में आ रही बात? तो इंसुलेटर विल नॉट अलाउ करंट टू पास इजीली। हाँ, आपको अगर करंट पास ही करवाना है तो क्या करना पड़ेगा? फिर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बूस्ट कर दो, फिर इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल जाएंगी और वो बाहर आ जाएंगे, फिर आपको हेल्प करेगी। ओके, अब हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। सेमीकंडक्टर में ज्यादा इतना आसान भी नहीं है और इतना सिंपल, मतलब इतना टफ भी नहीं, समझ में आ रही बात? मतलब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड का फासला बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ से वहां जंप मारेंगे और यहाँ आ जाएंगे, मतलब आपको हेल्प करेंगे। आपको हेल्प करेंगे मतलब वॉट? उसमें से करंट पास हो सकता है, समझ में आ रही बात? अब जब चार लोग यहाँ गए यहाँ से यहाँ जंप मार के, तब इधर जो प्रोड्यूस होती है उसके उसे बोलते हैं वैकेंसीज। एक्चुअली यहाँ एक कंसेप्ट है होल, मैं किसकी बात कर रहा हूँ अभी? ये सब सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूँ। सेमीकंडक्टर में जब कुछ इलेक्ट्रॉन्स भागे कहाँ से? वैलेंस बैंड से कहाँ जंप मार के चले गए? कंडक्शन बैंड में चले गए, फ्री हो गए। जब वो अपनी जगह छोड़ेंगे तो वहां पे उनकी जगह में वैकेंसी प्रोड्यूस हो जाती है, उनकी यहाँ पे नीड है। दिस वैकेंसी इज नोन एज व्हाट? होल्स। अब आपको क्वेश्चन अराइज करता है कि कौन कौन हेल्प करेंगे? कंडक्शन में आपको ये भी हेल्प करेंगे, ये भी हेल्प करेंगे। कैसे? मान लो ये सेमीकंडक्टर है, मान लो कौन है? सिलिकॉन। सिलिकॉन में चार इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। कैसे फ्री हो गए? जंप मार के गए कहां से कहां तक? वैलेंस बैंड से कंडक्शन में। अब जब चार लोग चले गए तो चार वैकेंसी भी प्रोड्यूस करके गए। कहां पे वैकेंसी कहां होती है?
जहां उनकी जगह थी, कहां थी उनकी जगह? वैलेंस बैंड में, गए कहां वो? कंडक्शन, तो होल इधर है, इलेक्ट्रॉन्स उधर है। अब मैंने अगर बैटरी लगाया, यस हम लोग रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं या हाई टेम्परेचर जो भी बात कर रहे हैं, मतलब ऐसा सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को कहीं से एनर्जी मिली है, ऑफकोर्स यहाँ पे हाई टेम्परेचर ही आपको ऑप्शन है, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। टेम्परेचर बढ़ाओ तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी, वो अपनी जगह से शिफ्ट मारेगी, ऊपर चलेगी। अब बैटरी से जो करंट आएगा, बैटरी से जो मान लो ये कंडक्टर की वायर, ये कौन सी वायर लगाई आपने? एल्यूमिनियम की। करंट तो इसमें से आसानी से ऐसे पास होते 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 आ गया। अब जब करंट आएगा, इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह छोड़ सकते हैं? क्यों? क्योंकि वो फ्री है, मतलब हेल्प करेंगे कंडक्शन में। दूसरी बात, होल्स भी हेल्प करेंगे। कैसे? मान लो किसी होल में इलेक्ट्रॉन ने जंप किया, फिर पड़ोस वाले होल ने अट्रैक्ट किया, फिर पड़ोस वाले ने, फिर पड़ोस वाले, इस तरह आपको होल हेल्प कर रहा है। वैकेंसी भी हेल्प करती है। वैकेंसी कैसे हेल्प करती है? जाने के लिए रास्ता देती है। होल्स अपनी जगह से नहीं हिलते, इलेक्ट्रॉन्स तो अपनी जगह से हिल जाएंगे, नए लोगों को आने के लिए स्कोप देंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह हिल के सपोर्ट करेंगे, होल्स कैसे सपोर्ट करेंगे? बैठे बैठे ही सपोर्ट करेंगे। होल्स मतलब व्हाट? जगह। तो इधर से जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उनको ये लोग बोलेंगे हमारे इधर आ जाओ, तो इस होल में एंट्री पाएगा, फिर ये होल एंट्री में एंट्री करते 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 होल से रास्ता बनाते 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 वो कहाँ पहुंच जाएगा? देखो ये इलेक्ट्रॉन्स करंट मतलब व्हाट, इलेक्ट्रॉन्स माइनस से प्लस तक पहुंचने चाहिए, भले कैसे ही जा रहे हैं। एक तरीका क्या हुआ, कुछ ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे सपोर्ट करेंगे, वो अपनी जगह ही छोड़ देंगे, फिर नए लोगों को स्कोप देंगे, फिर नए लोग आते रहेंगे, तो करंट को ये भी सपोर्ट कर रहे, ये भी सपोर्ट कर रहे, ये भी कर रहे, ये कैसे कर रहे? नीचे वाले होल्स, होल्स तो वैकेंसी, वो तो हिलती नहीं, वैकेंसी लोगों को अट्रैक्ट करती, मतलब ये होल इधर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को बोलेगा मेरे पास आओ। एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन को जाना प्लस के पास है, लेकिन उसको रास्ते मिल रहे हैं होल्स के, समझ में आ रहा है? तो किसी दूसरे होल पे जंप मार के, किसी तीसरे, किसी चौथे में होल्स को जंप मारते मारते वो कहाँ पहुंच गए? पॉजिटिव की तरफ, मतलब प्योर सेमी कंडक्टर में। देखो ये मैं जो भी बता रहा हूँ किसकी बात करो, प्योर सेमी को, प्योर सेमी कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, E for electrons, P for holes. जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, चार इलेक्ट्रॉन्स ने जंप मारे, कहाँ चले गए? वैलेंस बैंड से कहाँ शिफ्ट हो गए? कंडक्शन, तो वो चार जगह खाली होगी, वो चार जगह खाली हो गई, उनसे उसे आप बोलेंगे होल, और ये चार इलेक्ट्रॉन्स को आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जितने होल्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स, दोनों मदद करेंगे। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन भी मदद करेगा, अपनी जगह से हिल के मदद करेगा, और ये कैसे मदद करेगा? आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रास्ते देते चले गए, तो दोनों भी हेल्प करते, मतलब होल्स आल्सो सपोर्ट इनटू कंडक्शन एंड इलेक्ट्रॉन्स आल्सो सपोर्ट, बट दोनों की संख्या क्या रहेगी? सेम। क्यों ऐसा? क्यों? जितने इलेक्ट्रॉन जंप मारेंगे उतने ही होल्स प्रोड्यूस होंगे, बस समझ में आ रही? ऐसा नहीं होगा अगर हम कुछ इम्प्योरिटीज डालेंगे। देखो ये सब में ड्रॉबैक क्या है, अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा? सराउंडिंग का टेम्परेचर, तब जाके ऐसा कुछ होगा, तब जाके थोड़े बहुत होल्स प्रोड्यूस होंगे, तब जाके उतने ही क्या प्रोड्यूस होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तब जाके आपका कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अगर टेम्परेचर कम कर दो तो क्या होगा? ये लोग जो है अपनी जगह घर पे वापिस आ जाएंगे, मतलब वैकेंसी भी नहीं बचेंगी और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं बचेंगे, नाइदर होल्स नॉर इलेक्ट्रॉन्स को आपको मदद पर कंडक्शन में हेल्प नहीं मिलेगी। कंडक्शन में हेल्प नहीं मिलेगी मतलब ये कैसा काम करेगा? इंसुलेटर जैसा, समझ में आ रहा है? तो ड्रॉबैक क्या है प्योर सेमी कंडक्टर का? प्योर सेमी कंडक्टर अलाउ करंट टू पास ओनली एट हाई टेम्परेचर्स, बिकॉज ओनली एट हाई टेम्परेचर्स व्हाट हैपेंस? Some electrons will migrate from valence band to conduction band, and what will happen? Vacancies are produced. Vacancies are known as holes in the language of electronics.
free electrons are produced. Both will help us. One will help by moving. One will help at the same place. देखो कोई अपनी जगह पे बैठ के मदद कर रहा है और कोई अपनी जगह से हिल के मदद कर रहा है. मदद तो दोनों करेंगे. समझ में आ रही है? यहाँ पे P की जगह H यूज कर लेते चलो. मतलब what? N E for what? Number of what? Electrons. और N H मतलब what? Number of holes. ये जो भी सीखा हमने pure semiconductor के बारे में सीखा, इसका नाम क्या है? Pure को ही क्या बोलते हैं? Intrinsic semiconductor. और इसका ड्रॉबैक ओवरकम करना है, इसीलिए हम और एक सेमीकंडक्टर जानेंगे. कौन सा? एक्सट्रिंसिक. पहले इंट्रिंसिक जानेंगे. क्या होता है? प्योर सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम, उसके अंदर की केमिस्ट्री कैसी है? केमिस्ट्री कुछ ऐसी है, सिलिकॉन का ये एटम है मान लो, और उसके लास्ट ऑर्बिट में चार इलेक्ट्रॉन. कोई भी देखो, कोई भी सिलिकॉन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? चार. हमें बीच में के ऑर्बिट्स की चिंता नहीं, लास्ट ऑर्बिट की सोच. हर एटम की एक इच्छा होती है कि मेरे पास क्या होने चाहिए? आठ इलेक्ट्रॉन. जैसे हर आदमी की इच्छा होती है मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, ये होना चाहिए, फिर वो भागते रहता है वो जब तक वो चीज नहीं मिल पाती. तो हर एटम को क्या लगता है कि मेरे पास क्या होना चाहिए? लास्ट ऑर्बिट में आठ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. तो वो कहीं से ढूंढता है. अब ये लोग क्या करते थे, अगर सिंपल बात लेते हम लोग सोडियम और क्लोरीन की, सोडियम के लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में सात इलेक्ट्रॉन है. तो सोडियम के लास्ट सेकंड में आठ है. देखो लास्ट सेकंड में आठ है और लास्ट में वन है. तो सोडियम कहता है मैं एक दे दूंगा किसी को, तो मेरे लास्ट ऑर्बिट में आठ आ जाएंगे. क्लोरीन बोलता है मैं किसी से ले लूंगा. तो ये दोनों Na प्लस आयन बनता है और क्लोरीन किसी एक्सेप्ट करता है तो Cl माइनस. देखो क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन दे देता है और ये वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बनता है? Cl माइनस. तो ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन है तो हमें साल्ट मिलता है Na से. ये आयनिक बॉन्ड है. कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड. मैं अभी कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहा हूं. आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? इलेक्ट्रॉन्स कोई देता है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, कोई लेता है ऑक्टेट पूरा करने के लिए. एक पॉजिटिव आयन बनता है. सो इट इज जस्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो यहां बहुत आसान था, इसको एक देना आसान था, उसको एक लेना आसान था, इसलिए आयनिक बॉन्ड बना. अभी कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे नहीं है. मीथेन की बात करो, कार्बन आपने पढ़ा है, कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में चार इलेक्ट्रॉन है. कार्बन हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा? बॉन्डिंग करेगा, शेयरिंग करेगा. देखो हाइड्रोजन का एक, हाइड्रोजन का एक, हाइड्रोजन का. तो ये जो बना है ये कोई ट्रांसफर नहीं है, ये क्या हुआ है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मतलब मान लो मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए. मेरे पास एक लाख रुपए है, मैंने एक पार्टनर ढूंढा, उसके पास 1 लाख रुपए, हमने दोनों 2 लाख का हमारे पास एक कैपिटल बन गया, हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया. तो 2 लाख में जो दुकान बनता है उस पर दोनों का हक था ना. मैं ऐसा बोलूंगा नहीं ये चेयर मेरा है, ये कपड़ तेरा है, नॉट लाइक दैट. ये शॉप हमारा, सेम इज हैपनिंग. ये किसका आइटम, ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कार्बन का, ये किसका है? इनके बीच बॉन्ड हुआ है, सिंगल बॉन्ड. तो कार्बन बोलता है कि मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है. कैसे? खुद के 4 और पार्टनरशिप वाले 4. हाइड्रोजन बोलता है मेरे पास 2 है. कोई भी हाइड्रोजन मिलेगा मेरे पास 2 रहेगा. कोई कोई है अभी जैसे हाइड्रोजन से लोग 2 में भी सेटिस्फाई हो जाते हैं. मतलब हाइड्रोजन की बात करूं तो उनको कितने चाहिए रहते? 2, और कार्बन को 8 चाहिए. तो ये सब चक्कर में क्या बन गया? CH4 बन गया, जिसको आप मीथेन के नाम से जानते हैं. समझ में आ रहा आपको? तो ये बॉन्ड्स कैसे हैं? दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड, दिस इज अ कोवेलेंट बॉन्ड. एक इंपॉर्टेंट, अभी मुझे ये बॉन्ड ब्रेक करना है, मुझे टेम्परेचर
temperature provide करना पड़ेगा, energy provide करनी पड़ेगी, so that the bond can break. मतलब covalent bond को तोड़ना इतना आसान नहीं है. हाँ, ionic bond को आप आसानी से, मतलब आप अगर water में भी salt को डाल देंगे तो Na plus और Cl minus क्या हो जाएंगे, separate हो जाएंगे. So which is difficult to break, covalent bond. तो अभी silicon में भी यही हुआ है. देखो, silicon के पास कितने हैं? लास्ट कॉर्बन में चार. उसको कितने चाहिए थे? चार. देखो, किसी को चार देना भी आसान नहीं और किसी से चार लेना भी आसान नहीं. तो सिलिकॉन वालों ने, सिलिकॉन ने क्या सोचा, मैं क्यों ना मेरे इस पड़ोस वालों से शेयरिंग कर लूं, मेरे आसपास मेरे ही भाई बंद हैं. तो ये सिलिकॉन पड़ोस वाले सिलिकॉन से क्या कर रहा है, शेयरिंग. देखो, कार्बन ने हाइड्रोजन से किया था, इसने किसके साथ किया, रिश्तेदारों के साथ ही शेयरिंग कर लिया. मतलब रिश्तेदार को लेके ही बिजनेस स्टार्ट कर दिया. ये रिश्तेदार नहीं थे. अब इसमें क्या हुआ, देखो, ये इलेक्ट्रॉन किसके हैं, ब्लू कलर वाले मान लो किसके हैं, उस पर्टिकुलर इस सिलिकॉन, और सामने वाले के तरफ से मिल रहे बॉन्ड बन रहे. एनीवे, ये क्या बोल रहा है, मेरे खुद के चार पड़ोस, मेरे फ्रेंड्स के चार, मेरे पास कितने हैं, आठ हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया. अब इसका तो सेटिस्फाई हो गया, क्यों, इसका क्या पूरा हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया. अब ये भी क्यों पीछे रहेगा, ये क्या करेगा, ये उसके आसपास वाले लोगों को ढूंढेगा. समझ में आ रही बात, फिर से ये भी क्या पूरा कर रहा है, ऑक्टेट. ये अपने आप में इस तरह क्या हो रहा है, ये सब चक्कर पूरे क्रिस्टल में चल रहा है. हर कोई क्या कर रहा है, पड़ोसी से क्या कर रहा है, बॉन्डिंग कर रहा है, और अपना ऑक्टेट क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है. पड़ोसी मतलब उनके ही लोग, इन्होंने कहा हाइड्रोजन को नहीं ढूंढा. समझ में आ रही बात, कार्बन ने पड़ोसियों से नहीं किया, किसको ढूंढा, हाइड्रोजन. कार्बन पड़ोसियों से भी करता है, आपने पढ़ा भी होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी बनते हैं. एनीवे, मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहा था, हाइड्रोकार्बन्स की, सॉरी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा था. यहाँ पे ऐसे हुआ, तो ये होने से क्या हुआ, देखो, ये जो लोग चार थे, ये दो तीन चार, ये कौन से बॉन्ड में रहे हैं, वैलेंस बैंड में ही अभी. अब मान लो इनको बाहर आना, मतलब व्हाट, कहां से कहां जंप मारने की सोचा है इन्होंने, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में. तो इतना आसान नहीं ना, बॉन्ड को ब्रेक करना आसान नहीं. देखो, अगर एनर्जी मिल गई, टेम्परेचर मिल गया, तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, दो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए. बाहर आ गए मतलब कहां, एनर्जी पे, हाई एनर्जी पे आ गए, मतलब कहां से कहां आ गए, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आ गए, और अपनी जगह खाली छोड़ के आए, क्या प्रोड्यूस हो गया, होल्स. तो एक बॉन्ड ब्रेक होता है अगर, तो क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, और उतने ही क्या बनेंगे, होल्स. ये कब होगा, बॉन्ड्स कब ब्रेक होंगे, टेम्परेचर बढ़ा हुआ तो ब्रेक होंगे. समझ में आ रही बात, मतलब प्योर सिलिकॉन में क्या क्या प्रॉब्लम हो गया है, प्योर सिलिकॉन में अपने आप में ही क्या हो गया, सारों का बॉन्डिंग हो गया. तो सारे फ्री नहीं है, कोई भी फ्री नहीं बचा, हर कोई बॉन्ड में, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं. और अगर आपको उनको फ्री करना भी है, मतलब व्हाट, यहां से बाहर लाना है, मतलब व्हाट, वैलेंस बैंड से कहां लाना है, कंडक्शन बैंड में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर से टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा. टेम्परेचर बढ़ाओ तो क्या होगा, थोड़े बहुत बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, बॉन्ड्स ब्रेक हो गए तो क्या होगा, होल्स प्रोड्यूस होंगे, इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस. समझ में आ गई बात, तो प्योर सिलिकॉन लो, या फिर इसकी जगह प्योर जर्मेनियम भी लो, तो यही हाल है. जर्मेनियम में भी कितने आस्ट ऑर्बिट में चार, वो भी सिलिकॉन का ही पैटर्न फॉलो करता है, मतलब वो भी क्या करता है, पड़ोसी से ही क्या कर लेता है, बॉन्डिंग. पड़ोसी मतलब उसके ही दोस्त जर्मेनियम को. समझ में, ये बॉन्डिंग से क्या प्रॉब्लम हुआ था, बॉन्डिंग से प्रॉब्लम ये हो गया कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचे, और फ्री करना भी है तो क्या करना है, बॉन्ड्स को ब्रेक करना है. ओके, और बॉन्ड्स को, कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना आसान नहीं होता है. दिस इज द रीजन
यह हमें हेल्प नहीं करता एट लो टेम्परेचर और करेगा तो भी एट हाई टेम्परेचर। समझे, एक सेंट्रल में सिलिकॉन है, उसने पड़ोस के चार फ्रेंड्स पकड़े, इनके साथ क्या कर रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये किसका इलेक्ट्रॉन है, इसका खुद का, ये किसका है, पड़ोसियों का। लेकिन अब इन दोनों के दोनों का हक है, पार्टनरशिप है ना। ये बोलेगा नहीं नहीं ये मेरा नहीं, ये तेरा नहीं है। हाँ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये बोलेगा ये दोनों मेरे हैं और ये बोलेगा ये दोनों मेरे भी है। तो ऐसा इसके पास खुद के चार थे और पड़ोसियों के चार, कितने हो गए, आठ हो गए ना पूरे, मतलब सिलिकॉन सेटिस्फाइड हो गए। क्या कंप्लीट हो गया उसका, पॉक्टेट। तो केमिस्ट्री में एक बहुत बड़ी चीज है कि रिएक्शन क्यों होती है, पॉक्टेट को कम, नहीं तो एक दूसरे की जरूरत ही क्या थी, ये लोगों कार्बन को हाइड्रोजन की जरूरत क्यों पड़ी, समझ में आ रही है। तो इस तरह ये चीज क्या हो रही है, रिपीट हो रही सब जगह। आपको क्या बताना है, हर जगह क्या लिखा हो, ये आगे कंटिन्यू है, हम अभी इंफिनिटी आप कितना दिखाएंगे, मतलब हर कोई पड़ोस के साथ, हर कोई पड़ोस के साथ। ये डॉट डॉट क्या बताते हैं, इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रही बात, एंड सो ऑन। ओके, ये किस क्या है, अगर इसकी जगह जर्मेनियम लिखो